बिल्कुल। सो ये है दूसरा पार्ट, जो इस लोगों ने कल का व्लॉग नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके पहले कल का व्लॉग देखिए, उसके बाद ये वाला व्लॉग देखिए। और ये वाली लोकेशन हमने सजेस्ट करी थी मिस्टर गोयल कोटलिया जी ने, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये। ये है आपकी नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल से थोड़ा सा ऊपर, और ये देख सकते हैं आप, इसका नाम है लेक व्यू रिसॉर्ट। तो यहाँ से जा रहे हैं हम ऊपर को। सो ये है अंदर का, और ये देख सकते हैं आप एस्थेटिक साउंड मिरर लगा हुआ है, और दिस इज द रूम। सो गाइज दिस इज द रूम, ये देख सकते हैं आप सुंदर सा बेड, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड, सिटिंग एरिया, ये है आपका टेबल। और यहाँ से आप जाएंगे बाहर को तो आपको इतना बड़ा ये एरिया मिलेगा, मतलब तो ऐसे सारे रूम्स का है, इधर से इधर से इधर से खुला हुआ। और ये देखिए आप, यहाँ से ये व्यू आ रहा है, इसलिए इसका नाम लिखा है लेक व्यू रिजॉर्ट। ये कितने अच्छे गमले हैं, किसमें है ये, सब सुंदर लग रहे हैं ना। बस जंगलों में है ये गरीब माँ नोनू को घुमाते हुए, नोनू अपनी मासी के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ही घूमती है, हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है। ये देखिए ये भी एक अलग से कुछ है, इन्हीं का प्रॉपर, इन्हीं का है, सब अलग अलग रूम्स हैं यहाँ पे, ये अलग से बना हुआ है कॉटेज जैसा, इसका अलग होगा। ये सुंदर लग रहा है ना, और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, बाहर पे बैठ सकते हैं, बट अभी धूप में तो नहीं, मॉर्निंग में और इवनिंग में बैठ सकते हैं। पर यहाँ मुझे लगा ठंडा हो रहा होगा, मैं तो स्वेटर लेके आई थी आज। देखो आप यहाँ से लेके वो वहाँ तक, मतलब बहुत बड़ा है इनका ये प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना सुंदर प्रॉपर्टी है, वहाँ से चल के आए हम, अभी और आगे है ये, और है और ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। आप देख सकते हैं बोट्स लगी हुई हैं, ये है रेस्टोरेंट, जस्ट ताल के ऊपर ही हैं हम जस्ट। देखिए अब एडवेंचरस, ओ माय गॉड, हॉरर हॉरर वाली जगह है, और ये लग भी आत्मा जैसी रही है क्योंकि इसने पहना भी वैसा ही है। नो गरिमा तो रात को कर सकती है वैसे, किसी को अगर तुझे डराना होगा। अभी नोनू ने चेंज कर लिया, वरना नोनू ने भी वाइट ही पहना था, आज है वाइट डे, शांति दिवस। कमल ताल, एंड आप देख सकते हैं कमल के फूल खिले हैं, ये देखिए अभी मतलब पूरे अच्छे से नहीं खिले हैं बट खिल ही चुके हैं, एंड वहाँ से सनसेट होने वाला है, एंड ये व्यू बहुत ही सुंदर। और यहाँ नोनू सो चुका है, ये इसके पापा हैं, थक गए। सो अब हम खाने आए हैं यहाँ पे है मैगी, गरिमा कह रही है मैगी खिलाती हूँ तुम्हें, गोलगप्पे भी हैं। सच्ची बताओ,
नो 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 जादू। पीछे से कमल के फूल के पत्ते, ये देखो यहाँ पे जा रहा है हॉट एयर बलून ऊपर को जा रहा है। उधर देखो देखो आग लग रही है, आग से ऊपर को जा रहा है। ये तो फर्स्ट टाइम आया होगा ना भीमताल ना कुचिया ताल में, यहाँ कहाँ होते थे पहले। और ये नौकुचिया ताल में भी आप देख सकते हैं काफी है। तो थोड़ी सी हल्की सी ठंडी सी हवा चल रही है, वो भी यहाँ पे, वो उधर की साइड को तो नहीं चल रही है। हम जहाँ पर रह रहे हैं वो यहाँ है, ये है। हम वो वहाँ से घूम के वो वहाँ से बाय वॉक पैदल चलते चलते यहाँ है। ओ ये देखो कैसे जा रही है, वो हॉट एयर बलून पे भी उतना ही चला है यार, वो तो ऊपर को ज़्यादा चला ही नहीं। एंड अभी बज रहे हैं 5 और नोनू ने अपने पापा की लगा दी है वांड। नोनू सो गया है क्योंकि देखो नोनू खा रही है मैगी। और ये देखें यहाँ पे अब शाम हो चुकी है और हम थोड़ा टहल के आ चुके हैं। नोनू थोड़ी सो गई थी, 5 बजे सोई आज सुबह से लेके अभी, अब पता नहीं रात को कब सोएगी। ये देखें ये हमारी गाड़ी खड़ी। बाप रे यहाँ पर तो अकेले जाने में भी डर लग रहा है दोस्तों। और ये कुछ ऐसी लाइटिंग्स लगी हैं रात को यहाँ पे ना, इसके पापा और नोनू और उसकी मौसी वहाँ चले गए रेस्टोरेंट में, मतलब जहाँ पे खाना खाते हैं यहाँ से। ये है इनकी प्रॉपर्टी, यहाँ इतनी बड़ी बताओ, इतनी दूर है यहाँ से, मतलब अकेले जाना हुआ उधर। शिट मैन कितनी डर लगती है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर है तो जंगल ही भाई, कुछ भी कहो। ऊपर से कल मैंने वैसे भी हॉरर मूवी देखी है, पर लाइटिंग्स लगा रही है तो क्या, लाइटिंग्स लगा के छोड़ना किसी का डर भग जाएगा। हे भगवान, कुछ खाया है ना, चिप्स खाए हैं, कुल्ला भी नहीं गया वरना हनुमान चालीसा बोल के जाती है। मेरे को इतनी डर क्यों लगती होगी, एक तो ये लाइट बंद कर रखी है पता नहीं, यहाँ पे ना। चलो कोई तो आ रहा है आगे से। गरीबा का केक है, ये दिल बना रखा है यहाँ पे। मैं कैंडल जलाता हूँ। गरीबा आ गई है। मैं गरीबा के टियारा वियारा सब लेके आई थी। ये बेल का पहले बताओ, पीने जा रहे हैं हम लोग करके। Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Gariba, Happy birthday to you. Thank you. Clap, 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 clap. No, no, clap करो बेटा. काटो, 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 काटो. To. मैंने मत खिलाना उसको, क्रीम ठंडा तो नहीं होने देगी. नहीं है, नॉर्मल है. बस टच कर दो. बस. नॉर्मल. कपड़े गंदे के ना करें।
दोनों आत्मा जैसी लग रही है व्हाइट व्हाइट पहन के। अब हम ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं और यहाँ देखिए ब्रेकफास्ट में क्या क्या बना हुआ है। व्हाट इज दिस जी भैया? मम्मा हाँ, तूने मुझे खा लिया। नोनू को देखो, नोनू को, नोनू को सबसे ज्यादा मजे आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है। वाओ, बाय 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 भूतों वाली प्लेस। आपको अभी कहानी बताऊंगी नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट व्लॉग में आपको कहानी बताऊंगी इस जगह की, इस मिडल कोर्ट की। यहाँ एक हॉरर मूवी, यहाँ एक हॉरर मूवी शूट हो सकती है। ऊपर जाने वाली कितनी गाड़ियाँ, अभी तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, वहाँ से ऊपर से बहुत। अरे बाप रे, आजा। ये देखो कितनी गाड़ियाँ हैं, मतलब हद ही हो गई। ये तो दिल्ली 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 आज आप बता सकते हैं कौन सा डे होगा? यस, आपने सही गैस किया, आज है सैटरडे। इसलिए इतनी गाड़ियां आपको दिख रही है। बाप रे, वे भी देखो तो जरा। अच्छा हम तो नीचे को जा रहे हैं, ऊपर को नहीं आ रहे। पर हम कल गए थे ना, टुडे सैटरडे वीकेंड। हाँ, गाड़ियां खत्म ही नहीं हो रही है। नीचे तक आ गए हैं, बट गाड़ियाँ इतनी सारी हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ ऊपर को जा रही हैं। मतलब इनको एक नैनीताल पहुँचने में मुझे लग रहा है 3-4 घंटे तो आराम से लगेंगे, 5 घंटे अगर हम 1-2 घंटे और लेट निकलते हैं वहाँ से।